अस्सलाम वालेकुम फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बेसन और सूजी के लड्डू बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में एक कप सूजी लेंगे और सेम मेजरमेंट कप से हम इसमें बेसन डालेंगे और हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। मेजरमेंट के लिए हमें कोई भी एक बर्तन बना लेना है, उसी से हम सारी मेजरमेंट करेंगे। बेसन को हमें मुस्तकिल चलाते रहना है और इसे बहुत ही धीमी आंच पर भूनना है। देखिए बेसन का कलर चेंज हो गया है, तो हम एक कप इसमें देसी घी का शामिल करेंगे। कप हम वही इस्तेमाल करेंगे जिससे हमने बेसन और सूजी डाली थी। घी डालने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छे से भूनना है। देखिए पहले ये बहुत ड्राई लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनते जा रहे हैं ये अपना घी छोड़ने लगा है और ये सॉफ्ट हो गया है। अच्छी तरह से इसे भूनने के बाद हम 2 टेबलस्पून भर कर इसमें तिल के डालेंगे और इसे भी हम इनके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसे जब तक भूनना है जब तक इसमें से भुनी हुई खुशबू ना आने लगे। अब हम उसी मेजरमेंट कप के हिसाब से इसमें गुड़ का बूरा शामिल करेंगे। गुड़ का बूरा डालते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि चूल्हा हम बंद कर दें, फ्लेम जलता हुआ नहीं होना चाहिए, वरना ये लड्डू बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। क्योंकि ये मिक्सचर पहले से गर्म होगा तो इसमें गुड़ का बूरा अच्छी तरह से घुल जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दूँगी और इसे लड्डू की शेप में मैं इसे बना लूँगी। हमें इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं करना, इतना गर्म ये होना चाहिए कि आपके हाथ इसे बर्दाश्त कर सकें। तो देखिए मैं यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ, घी की वजह से ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। देखिए इस कदर लजीज और शानदार लड्डू बनकर तैयार हुआ है। अब इसी मेथड से मैं तमाम बैटर के लड्डू बना लूँगी। तो जब तक हम यहाँ लड्डू बना रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे। तो यहाँ हमारे तमाम लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक दीजिए। मिलती हूँ किसी और नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।